Assalamu alaikum. You are tuned in to ZAB FM 106.6, campus radio of Zabis Islamabad. Today we have a very distinguished speaker on a very unique topic. Dr. Rahman Chima is team leader research at Rural Support Programs Network. Before joining Rural Support Programs Network, he had been working in academia for three years in teaching, research, and management positions. Dr. Chima had started his career by working for Aga Khan Rural Support Program as Research Fellow in 2002. Dr. Chima has multidisciplinary education with doctorate in Development Studies from New Zealand and MBA in Human Resource Management and Masters in Economics from Pakistan. His research interests broadly focus on understanding the development linkages with education, vulnerability, disasters, governance, climate change and poverty. सामीन आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे और ये बात मुश्तमिल है रिसर्च फाइंडिंग्स की जो कि रिसर्च अंडरटेक की गई थी सक्सेस प्रोग्राम में आप यकीन जानना चाहेंगे सक्सेस क्या है सक्सेस है सिंध यूनियन काउंसिल एंड कम्युनिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट प्रोग्राम दिस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द रूरल सपोर्ट प्रोग्राम सोशल मोबिलाइजेशन अप्रोच टू कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट नाउ वट इज सोशल मोबिलाइजेशन It centers around the belief that poor people have an innate potential to help themselves, that they can better manage their limited resources if they organize and are provided technical and financial support. Success is a six year long program funded by the European Union, implemented by Rural Support Programs Network, National Rural Support Program, SIN Rural Support Organization, and the Deep Rural Development Program. इन एट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध नेमली कंबर शहदाद कोट लाड़काना दादू जामशोरो मटियारी सुजावल टंडोला यार एंड टंडो मोहम्मद खान आज की बातचीत इस प्रोग्राम के तहत होने वाली रिसर्च के नतीजे में जो फाइंडिंग्स हैं उन पे मुश्तमिल है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस रिसर्च कंपोनेंट को लीड करने की तो मैं वहाँ पर टीम लीडर रिसर्च हूँ उसके हवाले से हमने एक आ, इस दौरान में वहाँ पे एक रिसर्च का सिलसिला जारी किया हुआ है उसमें हमने रिसर्च की है और इन डेप्थ स्टडी की है तो आज हम आपसे उसके हवाले से सिंध बिल अमूमी तौर पे तालीम के बारे में और बिलखसूस सिंध के हवाले से तालीमी इश्यूज़ पे बात करेंगे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रॉब्लम तो हमें समझ आती है इसको ठीक करने के लिए हमें किन किन इकदाम को करना चाहिए तो बिलखसूस अगर हम पाकिस्तान के तलीमी हवाले से बात करें तो हमें ये जानकर अफसोस होता है कि हम ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अपने हमसाय ममालिक में से भी बहुत सारे मुल्कों में से इसमें इसमें पीछे हैं हालांकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो पिछले साल नवंबर में पूरी दुनिया ने मुश्तर तौर पर मिलकर उस पर एगरी किया था उसको साइन किया हुआ है उसमें फोर्थ सस्टेनेबल गोल जो है डेवलपमेंट गोल वो बिलखसूस तालीम से डील करता है तो इसमें अभी 2016 में एक यूनाइट नेशन ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है जो कहती है पाकिस्तान इज़ मोर देन फिफ्टी ईयर्स बिहाइंड इट्स प्राइमरी एजुकेशन टारगेट्स और जो हमने नेबरिंग कंट्रीज की बात की थी उस हवाले से हमारा जो लिटरेसी लेवल है दैट इज़ फिफ्टी परसेंट और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आर सेवन विच आर लेस देन आवर नेबर नेमली बांग्लादेश भूटान इंडिया श्री लंका एंड नेपाल और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देर आर ह्यूज डिस्पेरिटीज इवन विद इन आवर कंट्री पंजाब हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ सिक्सटी वन परसेंट फॉलोड बाई सिंध देट हैज लिटरेसी रेट ऑफ फिफ्टी सिक्स परसेंट खैबर पख्तमखा फिफ्टी थ्री परसेंट एंड बलूचिस्तान लिटरेसी रेट ऑफ फोर्टी थ्री परसेंट अच्छा इन प्रोविंस के अंदर भी देर आर ह्यूज डिस्पैरिटीज फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी जेंडर के हवाले से है वी नो बाई जेंडर वी मीन्स सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोल ऑफ मैन एंड वेमेन आर बाएंस बाई आवर सोसाइटी सो विद इन जेंडर इफ यू लुक एट दैट द मेल लिटरेसी रेट इज सेवेंटी परसेंट एंड द सेम रेट इज जस्ट फोर्टी सेवन परसेंट फॉर आवर फीमेल काउंटर पार्ट्स अच्छा रीजनल डिस्पैरिटीज के साथ साथ इवन विद इन सिटीज बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज हैं लेट्स टॉक ऑफ टू एक्सट्रीम्स फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद हैज़ लिटरेसी रेट ऑफ नाइन्टी सिक्स परसेंट बट अ डिस्ट्रिक्ट नेमली कोहलू इन बलोचिस्तान प्रोविंस हैज लिटरेसी रेट ऑफ ओनली ट्वेंटी एट परसेंट तो बहुत सारी बातें हमें पाकिस्तान के हवाले से ये बड़े ही सैडनिंग फिगर्स हैं एजुकेशन के हवाले से तो हमने अपने इस सिंध यूनियन काउंसिल एंड कम्युनिटी इकनॉमिक स्ट्रेंथिंग सपोर्ट प्रोग्राम के दौरान मुझे और मेरी टीम को काफ़ी uh, हमने कुछ चार महीने हमने अपने फील्ड एरियाज़ के अंदर गुजार स्पेंड uh, किए उस दौरान में वी कंडक्टेड अ सोशो इकनॉमिक बेस लाइन वी कंडक्टेड फोकस ग्रुप डिस्कशंस वी वेंट फ्राम हाउस टू हाउस डूइंग अ पावर्टी स्कोर कार्ड सर्वे दैट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक अ सेंसेस इन विच वी नॉक एट वी नॉक एट एवरी डोर एंड आस्ट एंड आस्क सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन So we gathered this data through poverty scorecard through focus group discussions through interviews and participant observation and bil khusus in particular we targeted one district that is Tando Now Tando is a district that is 210 kilometers northeast of Karachi इसके इस, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वी वेंट पर्टिकुलरली इनटू टू यूनियन काउंसिल्स जैसे हमें पता है कि जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो हम किसी एक एरिया को स्पेसिफिक लोकेशन को उठा के देखते हैं कि वहाँ पे इश्यूज किस तरह से इमर्ज होते हैं तो जब हम इन दो यूसीज़ में गए एंड लेट मी टेल यू कि इन दो यूसीज़ के अंदर क्या सिचुएशन यूनियन काउंसिल के अंदर क्या सिचुएशन थी ये दो यूनियन कौनसल थी इनके नाम था एक का नाम था दाद खान जरवार और दूसरे का नाम था मसूब उसदार तो अमूमन यहाँ मैं आपकी टेंशन आई वुड लाइक टू ड्रा कि कन्वेंशनली एक बहुत बड़ी बात जो की जाती है वो ये की जाती है कि एजुकेशन के लिए रिसोर्स नहीं हैं रिसोर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास इन बिल्डिंग्स हैं अगर बिल्डिंग्स हैं तो उनके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है टॉयलेट्स नहीं है क्लासरूम्स नहीं बने हुए सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैनी ऑफ आर पीपल आर लॉक्ड इन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ so the consequently they push for pumping of more resources into hardware into infrastructure of education आज मैं आपसे इस सेशन के अंदर एजुकेशन के सिंध के पर्टिकुलरली एजुकेशन के हवाले से जो बात करने जा रहा हूं कि यस हमारी इस रिसर्च इसको डिनाई नहीं करती कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए बट दैट इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी देर आर टू मेन फैक्टर्स विच होल्ड पाकिस्तान बैक फ्रॉम अचीविंग इट्स एजुकेशनल आउटकम्स वो दो कौन से फैक्टर्स हैं उनमें से जो पहला फैक्टर है वो पुअर एजुकेशनल गवर्नेंस है और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारी सोशल कल्चरल सोशो कल्चरल नॉर्म्स हैं ये दो ऐसे ब्रॉड फैक्टर्स हैं जो इन एडिशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज आर द मेन हर्डल्स विच होल्ड आवर नेशन बैक फ्रॉम अचीविंग इट्स एजुकेशनल आउटकम्स कीन आप पूछेंगे वो कि हमें कैसे पता चला जब इन दो यूनियन काउंसिल्स में गए तो इन यूनियन काउंसिल्स में दोनों यूनियन काउंसिल्स में हमें ये पता चला कि यहां पे मोर देन 50 परसेंट यानी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो मोर देन 50 परसेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल और उन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के अंदर भी ऑलमोस्ट दोनों यूसीज में मोरलेस फिफ्टी बॉयज सेवेंटी फाइव परसेंट गर्ल्स ऑफ स्कूल गोइंग एज आर आउट ऑफ स्कूल अच्छा जी अब ये इतने जो बच्चे और बच्चियां स्कूलों से बाहर इनको स्कूलों में होना चाहिए तो यकीन आपके जेहन में आएगा कि यहां पे शायद स्कूल नहीं है नहीं ऐसी बात नहीं है स्कूल वहां पे हैं लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन स्कूलों में से और मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताता हूं कि उन स्कूलों में से जो कि टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए हैं सेवन स्कूल्स इन यूनियन कौनसिल दात खान जरवार एंड वन स्कूल इन यूनियन कौनसल मसूब अजदार में क्लोज हैं उनकी बिल्डिंग बनी हुई है उनके क्लासरूम अवेलेबल हैं उन क्लासरूम्स के अंदर फर्नीचर अवेलेबल है उनके साथ टॉयलेट्स बने हुए हैं लेकिन वो स्कूल बंद हैं आखिर ये स्कूल बंद क्यों हैं जब हमने इसकी वजह जाननी चाही तो हमें पता चला कि यहाँ पे पूर एजुकेशनल गवर्नेंस रिस्पांसबल है स्कूल क्लोजर की वाई For example we spoke to students who used to study in one of the schools we spoke to one student whose name was Abdur Rahman, and he was in fourth class he said the only teacher in this school and that was in village Godu Thaheem in union council Khan Jarwar, that teacher retired 6 months ago and since then no one has come to replace him that's why me and my friends are out of school and are helping our parents in the farm work so what we realized and this was not only situation in one school in most of the schools that were closed they were not closed because schools were not there they were closed because nobody was holding those teachers accountable secondly nobody was making sure that the education is being delivered and the school is resourced with a teacher so that was a contrast अच्छा जहां कहीं पे स्कूलों में बच्चे हैं और जहां कहीं पे टीचर्स हैं इवन देन दे वॉज अ वेरी डिस्मेल पिक्चर वॉट वॉज दैट वंस वी स्पोक टू पेरेंट्स मेनी ऑफ द पेरेंट्स सेड दे डोंट सी अ वैल्यू इन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल इन द वर्ड्स ऑफ अ की इन फॉर्म फ्रॉम अ वेलेज जाफर खुश्क इन यूनियन कौनसल दासखन जरवार द रिस्पॉन्डेंट सेड द रेजिडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एज दे बिलीव दैट टीचर्स आर नॉट रिक्रूटेड ऑन मेरिट

एंड दैट रियल टीचर हायरस एन अदर स्टूडेंट ऑफ टें्लास और नाइन्थ क्लास एंड डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग ऑन हिस्स बिहाफ टू दैट स्टूडेंट और हमें पता चला कि एक विलेज के अंदर ऐसा ही है और उन उस्ताद मोहतरम ने तीन हजार रुपए पे, पे एक बच्चे को हायर किया हुआ और वह बच्चा उनकी जगह पे स्कूल में पढ़ाता है और ये साहब एक और नौकरी करते हैं या दूसरे काम करते हैं ना वॉट वी रियलाइज दिस की ये वाले फैक्टर्स क्यों हो रहे हैं कोई क्यों उनको चेक क्यों नहीं कर रहा उसकी वजह यह है कि जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है ऐसी चीजें जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात नहीं है वो विल की बात है वो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की बात है वहां पे सिंध गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर दे आर फॉलोइंग अपार्ट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज तो यहां पे हमें आ, लगा कि यह बहुत बड़ा इशू है जबकि उमन हमारे यहां जो आर्गूमेंट दी जाती है वो ये दी जाती है कि तालीम में हम इसलिए पीछे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है हमारे पास स्कूल नहीं है तो इन दो यूनियन काउंसिल्स के बारे में हम और बात करते हैं सो इन बोथ द यूनियन काउंसिल्स एज आई अर्लियर ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ द मेल चिल्ड्रन एंड 70% ऑफ द फीमेल चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल नाउ आई वॉज क्यूरियस our team was curious that why this is happening, that more female children are out of school. so that opened up a new door, a new insight. and what was that? in addition to poor governance, socio-cultural factors were also responsible for low enrollment, and particularly of girls. tha? there are four main madrasas, and two of them are run by jami'atul ulma islam. In Union Council Dhathan Jarwar. Ab, as per the key informant interviews, jo humne wahan pe kie, roughly 85% of the girls were not going to schools. And those who went to school, only 5% of them could reach matriculation. Now, where were these girls going? People of the area were not interested in sending their girl child to school due to prevalent old traditions and ignorance in the area people were more interested to send their daughters to learn holy quran through recitation in house mosque or madrasa what during a focus group discussion in Masu bazaar one of the female respondents stated there is a stereotype about education in our people that if girls get education and do a job they will go astray so this was another insight that even if government builds school and if for a second we assume they are working efficiently teachers are coming we cannot expect that all the male and female children will come to school or we can be sure that female children will still miss out why not because the schools are not available but because of a thinking which people have towards towards girls education ड्यू टू रिमोटनेस ड्यू टू बींग आइसोलेटेड नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन कि जी पढ़ी लिखी बच्चियां होंगी तो पढ़ा लिखा माशरा बनेगा पढ़ी लिखी कॉम डेवलप होगी अच्छी माएँ होंगी तो अच्छी और पढ़ी लिखी माएँ होंगी तो अच्छी सोसाइटी डेवलप करेगी तो ये वाली बात इस तरह से उन लोगों के जहन में नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे ख्याल प्रवेल कर रहे हैं कि अगर बच्चियाँ पढ़ लिख जाएंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी तो सामिन ये दो ऐसे फैक्टर्स थे जो हमें एक कॉमन आर्गूमेंट से हटके लगे कि आप स्कूल भी बना दें आप बिल्डिंग भी खड़ी कर दें आप उसमें फर्नीचर भी ला के डाल दें अगर आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हुकूमत उसके सॉफ्टवेयर पे उसकी रनिंग पे उसकी प्रोग्राम साइड पे तोजो नहीं देगी तो एजुकेशनल आउटकम्स अचीव नहीं होंगे सो बेस्ड ऑन दिस रिसर्च देर आर टू मेन रिकमेंडेशंस which we have made. the first recommendation is because this research was mainly focused in sindh, so that recommendations are the take-home point is for the government of sindh. now, here i argue that the 18th amendment to constitution in 2010 has made education a provincial subject. federal government has a responsibility to reinforce provincial governments to work on education. But primarily because of this amendment to the constitution, it's a provincial subject. So, educational governance at the provincial level must be improved in order to create value of education in the lives of children and parents. For this, an urgent policy shift is needed. What is that? Mere supply side view of pumping more resources in the education infrastructure would not automatically lead to improvements in enrollment and students' learning outcomes. The mm -hmm. government of Sin must focus on on merit recruitment of qualified teachers. Not only that, it must follow on, on teachers' attendance and performance. Now वी आर अवेयर नाउ दीज आजकल में ये बायोमेट्रिक्स के सिस्टम बहुत कॉमन हो गए और बहुत सारे स्कूलों में और ऐसी जगहों पर दफातर में भी बायोमेट्रिक्स जहाँ पर आपको थाम इम्प्रेशन लगाना पड़ता है बट वट वी फाउंड इन सिंध कि अगर वो टीचर स्कूल में आके भी अपना बायोमेट्रिक लगाने के बाद भी एक और लड़के को क्लास में खड़ा करके चला जाएगा तो वो बायोमेट्रिक भी काम नहीं करेगा सो फॉर दिस टू हैपन दिस आवर रिसर्च आर्ग्यूज़ that mere technological solutions such as having biometrics would not be sufficient unless communities are actively involved through genuine participation in school management committees. तो मुझे बहुत सारे मौकों पे जब तालीम से डील करने वाले मुतलका हुकाम के साथ बैठने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि हमने स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज मैं बनाई हुई हैं लेकिन हैरत की बात आपके लिए होगी कि उन स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के अंदर जो डिसीजन मेकर हैं जो लोग उनको डोमिनेट करते हैं ये वो लोग हैं जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते ही नहीं है आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वो शख्स आ जाए जिसका बच्चा उस स्कूल में है ही नहीं जी हां सिंध के बहुत सारे देहाती इलाकों में ऐसा ही हो रहा है जो वहाँ का बड़ा है वडेरा है सरदार है लैंडलॉर्ड है या इन्फ्लुन्शल आदमी है वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में तो आता है लेकिन या तो वो गांव में रहता ही नहीं है और अगर वो गांव में रहता भी है तो हमने देखा कि उसको बच्चों को गाड़ी ड्राइवर पिक करके शहर के किसी अच्छे स्कूल में लेके जाता है तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दोज पेरेंट्स हुड्रन आर इन द स्कूल सो अच्छा आप हैरान होंगे कि अगर वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में वो साहिब हैं या वो लोग हैं तो वो करते क्या ना वेरी अनफॉर्चुनेटली दे आर कीन दे आर वेरी इंटरेस्टेड which teacher is being posted over there either that teacher is their relative or a relative of a relative or of of a, of a relative of their friend or is the supporter of their party they are least bothered what their teacher teaches in the class so on paper school management committees bana di on theory it looks very good that parents are taking active part in the management of school. बट ऑन द ग्राउंड पिक्चर इज इंटायरली डिफरेंट सो वट आवर रिसर्च आरग्यूज दैट वी मस्ट मेक दो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज एक्चुअल एंड रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट्स जिसका स्टे की नहीं है स्कूल में Why that पर्सन विल बी bothered टू इंप्रूव दैट दूसरी रिकमेंडेशन जो है वो हमारी रिसर्च की है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना वॉट इज दैट Behavioral change measures must accompany all measures to improve education infrastructure and governance. Here it calls for a decisive role to be played by civil society organizations through meaningful engagement with the communities. District governments must develop customized behavioral change communication plans in collaboration with all stakeholders and, in particular, with organizations having household access. वोइंग टू their ग्रास presence। प्रेजेंस जब तक लोगों के एटीट्यूड एजुकेशन की तरफ नहीं बदलेंगे जब तक हम शहरों में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि शायद हर शख्स एजुकेशन को ऐसे ही अप्रिशिएट करता है जैसे हम अपनी डोमेन में अपनी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं नहीं ऐसा नहीं है जब हम टंडोवाला यार के रूरल एरियाज में गए तो हमें लोगों से मालूम करने पर उनसे बात करने पर पता चला कि उनके एटीट्यूड एजुकेशन के बारे में वो नहीं है जैसे हम सोचते हैं एंड पर्टिकुलरली अबाउट गर्ल्स एजुकेशन दे आर नॉट पॉजिटिव देर इज रेजिस्टेंस देर इज नॉट एप्रिसिएशन दैट वॉट एजुकेशन कैन ब्रिंग टू अ गर्ल हुज अ फ्यूचर मदर देन टू अ फैमिली देन टू अ सोसाइटी एंड देन टू होल नेशन एंड देन टू दी होल ह्यूमन वर्ल्ड सो इसको चेंज करने की जरूरत है इसके लिए हमें एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी गवर्नेंस और उसके साथ एक बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनानी है अच्छा अब वो स्ट्रेटजी क्या एक ही होगी नहीं हमारा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं होगा जैसे डेवलपमेंट में अक्सर कहते हैं वन साइज डज नॉट फिट ऑल एक जगह पे लोगों के बिहेवियर फर्क हैं, तो दूसरी जगह पे लोगों के बिहेवियर और फर्क हैं तो वहां पे हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट लोगों को मिलके लोकल स्टेक होल्डर्स को एजुकेशन डिपार्टमेंट को और खास तौर पर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आउटरीच भी हाउस होल्ड तक नहीं हो पाती है एक डिसकनेक्ट रहता है और ये वाले जो बिहेवियरल चेंजेस आनी है लोगों के जहनों में ये हाउस होल्ड लेवल पे आनी है जहां पे कम्युनिटीज कनेक्ट करें इंस्टीट्यूशन के साथ तो उसके लिए इस दरमियान वाले गैप को बिटवीन हाउस होल्ड एंड द गवमेंट इसको ब्रिज करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रोल फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और वो वाली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ग्रास रूट प्रेजेंस है इस हवाले से मैं आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि अलिफ एलान जो कि एक बहुत बड़ी एजुकेशनल कंपेन पाकिस्तान में चल रही है उन्होंने और रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क ने मिलकर अपनी पार्टनर रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स के साथ एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है पेरेंट इतिहाद एज क्रिटिकल मैस टू डिमांड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन के नाम से एक बहुत बड़ी कंपेन जारी की हुई है इसके ज़रिए से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके नुमाइंदों को इकट्ठा करके डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट लाया गया है एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के साथ और उन पेरेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आके एजुकेशनल अथॉरिटीज के साथ बात की है उनको अपने इश्यूज बताए हैं और स्पेसिफिकली लिस्ट करके बताए हैं और हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि उससे ना सिर्फ एजुकेशनल गवर्नेंस इंप्रूव हुई है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हुई है बल्कि जो इश्यूज हमने सोशो कल्चरल नॉर्म्स के देखे हैं कि उन्हीं पेरेंट्स की एसोसिएशन ने अपने स्ट्रीट लेवल पे अपने मोहल्ले के लेवल पे अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखा है कि अच्छा ये वाले घर से बच्ची या बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता तो वो वहाँ तक पहुंचे हैं और उन्होंने उसके पेरेंट्स से बात की है कि आप अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं और इस तरह से कम्यूनिटी लेवल पर एक डायलॉग एक गुफ्तुशनीद की सूरत हाल पैदा हुई जिसमें बहुत सारे अनविलिंग पेरेंट्स विलिंग हो गए तो ये एक अच्छी मिसाल है और इसको हम फॉलो करके इसी तरह की और एक्टिविटीज़ को इसी तरह की और प्रोग्राम्स को हम बना सकते हैं जो कि एजुकेशनल गवर्नेंस के को इम्प्रूव करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिहेवियरल चेंज को भी टारगेट करें तो इस तरह से हमारी इस रिसर्च से हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि अगर हमने अपने एजुकेशनल गोल्स को अचीव करना है हमने कॉमिटी ऑफ नेशंस में राइज करना है और हमने अपने मुआषे को मुकम्मल तौर पर तालीमी याफ्ता बनाना है तो हमें कई जहतों से और खास तौर पर इस रिसर्च के हवाले से एजुकेशनल गवर्नेंस और सोशो कल्चरल नॉर्म्स को एड्रेस करना होगा सो दैट एंड पर्टिकुलरली आवर गर्ल्स गो टू स्कूल अगर आप इस रिसर्च से मुतिक और सक्सेस प्रोग्राम के तहत होने वाली दूसरी एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहें तो आप प्लीज लॉग ऑन करें सक्सेस डॉट ओ आर जी डॉट पी के पर जहां पर यह रिसर्च ब्रीफ और इस प्रोग्राम के तहत होने वाली दूसरी मालूम भी अवेलेबल हैं थैंक यू वेरी मच